वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज हम आर्या डेयरी फार्म पे हैं और ये हमारे पुराने साथी हैं दिलीप जी। इनके पास सुपर नेपियर का भी एबिलिटी काफ़ी है। अगर कोई 4 रुपये पीस कैसे है सर? 2 रुपये पीस। 2 रुपये पीस है तो इतना सस्ता नेपियर बिहार में आपको लगाने के लिए मिल सकता है? शायद पूरे बिहार में कहीं भी आपको 2 रुपये पीस नेपियर नहीं मिलेगा। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, करीब 1000 सब्सक्राइबर हैं और 4-5 हज़ार लोग जो देखते हैं वीडियो को, वो उनमें से जो भी भाई बंधु लेना चाहते हैं वो सर से कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट हैं फार्मिंग से रिलेटेड, मैं इशू को इनसे जानना चाहता हूं और सर से कुछ छोटी मोटी बातचीत होगी तो शुरू करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। दिलीप कुमार। अच्छा। प्रखंड करपी, जिला अरवल, बिहार। बिहार से सर? आर्या डेयरी फार्म। जी, आर्या डेयरी फार्म से हैं। और ये सर का डेयरी फार्म में एक बार हल्का सा ऐसे घुमा दीजिए कैमरा दोनों साइड में और फिर इस साइड में मूव करके दिखा दीजिए जो व्यूवर्स हैं, घुमाइए। ये है सर का डेयरी फार्म और ये हमारे साथ हैं आर्या डेयरी फार्म के जो हेड हैं, दो भाई जो इसको मैनेज करते हैं, दोनों भाई हैं। इतना मेल मिलाप है दोनों में सर। कुछ आज हम पर्सनली ऐसे ही बात पूछ ले रहे हैं कि हमारे व्यूवर्स से जानना चाहता है, पहले भी एक किसी ने हमसे टॉपिक किया था कि आप दोनों भाई का जो आपस में जो कॉम्बिनेशन है, जो कनेक्शन है, बड़ा तगड़ा है, इसका क्या राज है? ये सब पूर्वज का देन है। अच्छा, 4 भाई हम हैं, सब पूर्वज का संस्कार है। पूर्वज का संस्कार? बिल्कुल संस्कार है। ऐसे कैसे रह लेते हैं, मतलब बिल्कुल यार इसमें तो राज होगा, मतलब राज क्या, एक दूसरे के कोई विरोधी नहीं है, कल छपट है ही नहीं। हाँ। कुछ नहीं, वो ऐसे कर रहे हैं मेंटेनेंस अपना परिवार को, ये सब हमारे सब कुछ नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, सब मालिक, सब नौकर, मतलब सब। इतना बेहतरीन आपका जो ये सब जो प्यार देखे, एक जगह पैसा रखा, जिसको जितना कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका जो हो सकता है पूरा कीजिए। हम ही जानते हैं कि एक दिन में नजायज पैसा कोई उठाएगा तो 200-400 रुपए रोज ज्यादा जाएगा, उससे ज्यादा हम ला रहे हैं तो जा रहा है, कौन बड़ी की बात। सही बात है। तो ये थे इसी के लिए परिवार तोड़ लीजिएगा जी, है ना? तो बड़ा पॉइंट बोले हैं आज। देखिए, फार्मिंग से शुरू किए थे लेकिन आ गए हम परिवार पे और कुछ ऐसे टॉपिक है जो हर किसी को सीखना चाहिए। चलाने के लिए बहुत कुछ सोच समझ के काम करना पड़ता है जी, तब परिवार चलेगा। 23-24 परिवार हम लोग हैं, बिना 24 फैमिली हैं टोटल, 24 और सब साथ में बिलोंग करते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन मालिक है। ये बहुत बड़ा एक जो है सीखने के लिए सब हमारे जो बिहार वासियों के लिए या भारत वासियों के लिए है कि कैसे संयुक्त परिवार रह सकते हैं बिहार में। अच्छा सर, कुछ पॉइंटें थी हमारी इनसे, सिर्फ उस पर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है लेकिन प्रति गाय मवेशी की संख्या ज़्यादा है जी। अगर प्रति गाय कारण नस्ल कारण और मैनेजमेंट दो चीज जी। अच्छा, गायों को कैसे खुश रखा जाए? बोलते हैं कि ये स्ट्रेस के कारण भी बहुत दूध उत्पादन में कमी होती है। हाँ, वो बिल्कुल होती है जी। जो हम लोग बांध को गाय के रखते हैं छोटा सा पगहा में जी, एक कारण ये हुआ जी। सेकंड, स्वेच्छा से उसको भोजन, स्वेच्छा से पानी, स्वेच्छा से पानी और स्वेच्छा से भोजन और सही मैनेजमेंट, उठने बैठने का इसका, जब ये नहीं है कि कभी आए गौशाला में आते रहे लोग उठाते रहे गाय, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब इसको अपने हिसाब से थोड़ा हाँ जीने का कला हाँ होना चाहिए पशुओं को। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि बोलते हैं कि जो हमारे पूर्वज लोग थे जो पारंपरिक पशुपालन पहले करते थे उसमें बताते हैं कि गायों को अपने हिसाब से पानी पुनी पिलाते थे, आपको क्या लगता है कि इसमें भी फ्रीडम की आवश्यकता है? हाँ नहीं, फ्रीडम की आवश्यकता है। तो उस समय पूर्वज रखते थे तो खेत में चरता था जी जी, आवश्यकता अनुसार चरा ले लिया, सारा मिनरल मिल गया। उस समय ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता था जी जी। अभी तो है ज़्यादा यूरिया बेस पे चल रहा है भोजन। अच्छा। चाहे तो आदमी का भोजन हो या मवेशी का भोजन हो, यूरिया बेस का है ना जी जी। तो पहले तो ज़्यादा स्वतंत्रता था, जब चरते गाय चरती थी तो उस पर तो ज़्यादा था ना, तालाब में पानी पी लिया, नदी में पानी पी लिया। अभी क्या है कि हर कोई के यहाँ बंध के रहता है गाय, तो कहाँ है स्वेच्छा, तो है नहीं अभी, मतलब बंधन हाँ बंधन है, पानी में भी बंधन है। हाँ पानी में, लोग के यहाँ बंधन, हमारे यहाँ बंधन नहीं है।
तो सर हमारे कहने का मतलब है कि एक पशु अगर 15 लीटर दूध देती है तो उसको कितना लीटर पानी पीना चाहिए दिन भर में? 70 से 80 लीटर गर्मी में। कम से कम है या ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं, कम से कम तो 60। कम से कम 60। तो देख सकते हैं ये सब बहुत बारीक टॉपिक है और इस पर जो बातचीत हो रही है आप लोग सीख सकते हैं सब कि जो फार्मिंग में कैसे सुधार करने की आवश्यकता है। सर ये बताइए कि जो आप फीड बनाते होंगे तो फीड में क्या क्या कुछ खास आपका मैनेजमेंट जो है? मैनेजमेंट अभी तक ले जो डाले थे हम जैसे मक्का परसेंटेज 30% जी 30% उसमें 40% हम दलहन और खल्ली जी। उसके बाद फाइबर के लिए हम चोकर डालते थे जी। उसके बाद हम ये चना का चूरी डालते थे जी। थोड़ा सा ब्रांड डाले, मिटकी सोडा डाले, नमक डाले, मिनरल डाले, माने जितना ढंग के अनाज मिल जाए। अभी जैसे गर्मी आ गया तो थोड़ा जौ इस्तेमाल करेंगे जी। मक्का का सत्तू इस्तेमाल करेंगे जी। और राहर का चुनी और ये तो है ही आपका चना का थोड़ा सा खल्ली घटाएंगे तो थोड़ा सोयाबीन पे जाएंगे। अच्छा, प्रोटीन तो लाना है हमको। प्रोटीन मतलब? हाँ, 40% पे जाना है प्रोटीन जी लेकर। अच्छा, जैसे लेके जाए अगर हमें बताइए आप। और एक चीज और सोच रहे हैं कि जनरल नमक बंद करके अब जी संधा नमक पर जाने के लिए। संधा नमक तो सर क्यों ना प्राकृतिक मिनरल ही बना दीजिए, संधा नमक, काला नमक या मीठा और जो है क्या बोलते हैं इसको, गेरुआ मिट्टी, ये सब चीज मिक्स करके प्राकृतिक मिनरल बना लीजिए और 50-50 ग्राम दे दीजिए 100 ग्राम। ये भी किया जा सकता है और बेहतर हो सकता है, मतलब बेहतर हो सकता है। अभी तो तत्काल वही हम सोचे हैं कि जब नमक एक बोरा मंगवाए समाप्त होने के बाद संधा नमक पा जाएंगे। मतलब आप नॉर्मल नमक खत्म करके संधा नमक? संधा। अच्छा, उसका फायदा बेनिफिट कुछ बताइए कि क्या है? संधा नमक में बहुत सा मिनरल है, बहुत सा विटामिन है, मिनरल होता है। हाँ, आदमी के स्वयं भी खाना चाहिए संधा नमक। अच्छा जी, तो अच्छा ये बात तो आपने बताई सर। अच्छा, गर्मी में एक होता है कि जो बोलते हैं कि यूपी में या हरियाणा, पंजाब, गुजरात में जो बड़े फार्मर हैं वो फार्म को ओपन रखते हैं। बिल्कुल, मतलब ये पूरा ओपन रहता है जो स्ट्रक्चर है, ओनली फॉर ऐसा रड रहता है और रड के जो है ऊपर शेड बना रहता है। तो एक बिहार में भी लड़का किया है। अच्छा, तो अच्छा, वो जो है ये परेशानी का कारण हो सकता है जैसे अप्रैल? हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप वो पश्चिम साइड से थोड़ा सा कंट्रोल दीवार होना चाहिए। मतलब पश्चिम से दीवार होना चाहिए, पूरब से नहीं सर? नहीं, पूरब से तो खुला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। पूरब से पछुआ हवा जो है जी जी वो ज़्यादा है पश्चिम वाला, और पश्चिम से ठंडा भी ज़्यादा है। पश्चिम से ठंडा भी? हाँ, गर्म भी, गर्मी भी पश्चिम से है। तो आज अगर बाउंड्री ना रहे तो गाय तो बहुत प्रभावित हो सकती है डायरेक्ट? हाँ हाँ, प्रभावित नहीं, तब प्रभावित नहीं होगी जब बाग बगीचा हो जी आसपास में, जैसे कम से कम 5 मीटर की दूरी पे बगीचा हो, पीपर बर का पेड़ हो जी जी, तो प्रभावित में वैसी नहीं होगी। अच्छा, ये था। तो सर इसके अलावे जो फॉरेन कंट्री में जितनी भी गाय होती है, बिल्कुल, वो जो है प्रति औसतन मिल्क जो बात हुई थी हमारा कि 32 लीटर रहता है गायों का, बिल्कुल, तो ओनली फॉर ब्रीड के साथ साथ हमें कौन सी सेक्टर पे ध्यान देना है जिससे वो गाय, अगर ब्रीड हम ज़्यादा चेंज कर देते हैं, मान लीजिए HF ज़्यादा परसेंटेज हो जाता है, तो शायद उसका जो है मैनेजमेंट में मैनेजमेंट में फिर प्रॉब्लम होगा, मैनेजमेंट ज़्यादा करने पड़ेगा। जैसे अगर ज़्यादा ब्रीडिंग पर जाएंगे तो गर्मी में आप उसके लिए कूलर लगाइए जी, अगर उससे ज़्यादा है तो AC लगाइए जी, नहीं तो फिर पेड़ पौधा के पहले से प्रोग्राम कीजिए वृक्ष लगाने का, उधर से पछुआ हवा चले, गर्मी चले तो पेड़ से टकराते हुए पत्ता सीधा, थोड़ा ठंडापन है, फोगर लगाइए। सर अगर HF के मुकाबले अगर जर्सी पे फिर क्रॉस किया जाए, अगर परसेंटेज ज़्यादा हो तो? हाँ, जर्सी का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, बेहतर है। हाँ, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा, बॉडी क्षमता जो होता है छोटा होता है जी, अगर एक बार अस्वस्थ भी गाय हो जाए तो रिकवरी जल्दी है, मतलब रिकवर हो जाए। हाँ, और HF का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हार मान लेता है अपने आप से। नहीं, इसका बॉडी वेट जो है बहुत ज़्यादा है, बड़ी गाय होती है ना जी, तो बड़ा आदमी एक बार अगर बीमार पड़ जाए तो उसको संभालने में दिक्कत होगा, संभालने में दिक्कत, बाकी छोटा आदमी तो तुरंत मेंटेनेंस में आ जाएगा। ये आपका फॉगर सिस्टम है कब काम करता है, जैसे अब अप्रैल में? नहीं, आप तो अप्रैल में शुरू कर दिए, चालू, ये चालू हो जाएगा? हाँ हाँ, चालू कर दिए इसको। अच्छा, कुछ ऐसे पॉइंट और मुझे जो मन में था कि मैं आप लोगों से बात करूँ कि इस सेक्टर में चिकित्सक बहुत कम है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट तौर पर, तो
इसमें किसान एक जटिल समस्या से गुजरता है, कभी हरे चारे का प्रॉब्लम, कभी बीमारी का प्रॉब्लम, कभी उनको मैनेजमेंट का होना जरूरी है जी। लेकिन ये देखा जाए कि क्या खिलाए कि बीमारियां कम जाए, क्या खिलाए कि बीमारियां कम जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर अगर काम करें। देखिए बिहार में ही तो दिक्कत है जी, हमारे समझ से जी जी, कि दूध पर लोग ध्यान दे रहे हैं, दूध पर क्या खिलाएं कि दूध बढ़े। हमको अब सोच है और देख भी रहे हैं जी जी, हमको सोच है कि क्या खिलाएं कि निरोग जानवर हो जाए, निरोग हो जाए। हाँ, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा तो यही है कि आज कैल्शियम दिए तो बिहान परसों से दूध बढ़ जाएगा जी। लेकिन अगर निरोग कर देंगे तो 10 दिन के बाद से बढ़ेगा। हाँ, लेकिन वो स्थायी बढ़ेगा जी जी, फैट से दूध की गुणवत्ता बढ़ेगा जी। तीस तक पर काम कर ले। तो सर ये हरा चारा आप जो देते हैं ये नेपियर ग्रास है पूरी तरह से? हाँ, नेपियर है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये नेपियर ग्रास है और ये 100% दे रहे, कोई भी ड्राई फोल्डर सूखा चारा इसमें मिक्स नहीं किया गया, कोई भी फाइबर इसमें एडेड नहीं है। तो ये पाचन क्रिया में क्या सहयोग करता है, 100% बच जाएगा? फाइबर है ना। अच्छा, फाइबर है 100% लमसम फाइबर है और बड़ा चाव से पशु खा रही है और ज्वाइल कटाया है जी, 14 फीट के हाइट में कटाया है, 14 फीट के हाइट। दोस्तों अब एक वीडियो नेपियर के ऊपर बनाएंगे क्योंकि बहुत दिन पहले बनाए थे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, लोग पॉजिटिव थे। जिस समय आप बनाए थे ना जी, उस समय गाय की शाइनिंग देखिए, आज गाय की शाइनिंग मेरा देखिए, 100% खिला रहे हैं। इसका मतलब कि सूखा चारा की आवश्यकता कम पड़ेगी, बहुत कम, बहुत फिर जो 8-10 हजार का खर्च होता है किसानों का वो बंद हो सकता है, बंद हो सकता है। डायरेक्ट अगर ज़्यादा मात्रा में थोड़ा उत्पादन कर दें तो जरूरत ही नहीं है काट पीट के रखने की, उतना वो करने का। जब साइलेज से बेहतर है डायरेक्ट या फिर साइलेज बेहतर है? नहीं, साइलेज भी अच्छा है, साइलेज जब किसी बरसात में प्रॉब्लम हो जाए हरा चारा का जी, या जी, नेपियर का जल जमाव ज़्यादा हो जी, उस समय साइलेज इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, सुपर नेपियर के भी साइलेज बन जाता है, या ऑफ सीजन में मक्का लगा दीजिए, मक्का और नेपियर को दोनों को मिलाकर साइलेज बना दीजिए। अच्छा सर, हमने 4 पॉइंट पे काम बात किया, एक था कि भारत जो है पिछड़ा, मतलब थोड़ा उत्पादन में कम है प्रति गाय औसत जो है, दूसरा उनके जो है हम लोग गायों को खुला नहीं रख पाते हैं, तीसरा वाटर सिस्टम पानी जो है उनके हिसाब से गायों को नहीं पिलाते हैं, चौथा जो है हरा चारा भी आता है शायद इससे रिलेशन में। तो अगर इस चीज़ पे सुधार किया जाए बिहार या भारत में तो एक नए आयाम की तरफ बढ़ सकता है। बिल्कुल, और पर डे इसे खिलाने से अच्छा खासा बचत है ना जी, बहुत अच्छा खासा बचत भी है। तो ये हैं हमारे दिलीप सर और ये हमारे पुराने दोस्त हैं, करीब करीब इनसे हमारी दोस्ती आज से 15-17 साल पहले हुई थी। हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे बंगाल, वहाँ पे हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मैनेजमेंट का कोर्स किया था। और ये इनके गाय हैं, ये देख सकते हैं कुछ जर्सी ब्रीड की गाय हैं इनके पास, और ये सब ये तो जर्सी का ही दिख रहा है, पूरे 1 साल का हो गया, तो 1 साल की जर्सी ब्रीड की गाय है। तो आपने जर्सी पर काम करना सर कब शुरू किया? जर्सी में तो सुरमही से कर रहे थे, बाकी कम पक कर रहे थे, अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं जर्सी का। तो इस चीज़ का फीलिंग आपको हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमको HF को कम करके जर्सी को? हाँ, हाँ, कब से ऐसा महसूस किए? एक साल पहले। सर बहुत ही अनुभवी आदमी हैं और इस सेक्टर में दोनों भाई का काम बहुत सराहनीय है, और सारे गायों का देखभाल जो है मैनेजमेंट के साथ साथ आम किसानों को हेल्प भी करते हैं, तरह तरह की जो बीमारी होती है गायों को या किसी भी पशु को उसको इलाज के लिए यही सहारा है। इस एरिए में इनका नाम काफ़ी लोगों के बीच में चर्चित है, सराहनीय वर्क करते हैं, पशुपालन के चिकित्सक भी बहुत कम हैं और इनका नाम बहुत बड़ा है। कौन है जो इधर नहीं जानता है अरुण जी के नाम से और दिलीप जी के नाम से? तो अरुण सर कुछ आपसे पॉइंट करना चाहते हैं, बोलिए कि ये सब तो मैटर था कि पानी पर फ्रीडम होना चाहिए, भारत में जो है ब्रीडिंग जो है नस्ल पे ध्यान देना नस्ल चाहिए। नस्ल तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है अभी ना जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हरा चारा भी हरा चारा तो समझिए कि पशुपालन का रीढ़ है, रीढ़। हाँ, अगर हरा चारा ना है तो बेकार है। हरा चारा हम देख लिए ना, हम 3 महीना से नेपियर पर गए हैं, मात्र 3 महीना से तनी ज़्यादा मिलने लगा है, अभी 100% पर तो ना गए हैं जी जी। देख लीजिए साइनिंग, तो गायों का साइनिंग आप सब गाय को 1 से 1.5 किलो दूध भी बढ़ गया, और डेयरी का लिस्ट हमारा कोई देख ले, 32 रुपये 32 रुपये प्रति लीटर पड़ रहा है डेयरी में। कुछ बाछी आपने? हाँ, बाछी सब बहुत अच्छे क्वालिटी का तैयार किया है।
आपका सराहनीय वर्क है, ये है अरुण सर का डेयरी फार्म और दिलीप जी का आर्या डेयरी फार्म। टॉप जनरेशन निकलेगा जी, बाछी का जनरेशन अब आएगा वो मेरा टॉप जनरेशन आएगा जी। और सबको अभी सक्सेस मिल लगल है, माना ले सबके सक्सेस मिल लगा सर। जर्सी और एचएफ कुछ पार्ट टू में हम बात करना चाहते हैं इस वीडियो को क्लोज करके एक मिनट के लिए। तो ये थे हमारे दिलीप सर और अरुण सर, दोनों भाई हैं, चार भाई हैं, इतने प्रेम और वो है, मैंने शुरू में इनके बातचीत में पता चला होगा दोस्तों। तो अभी पार्ट टू का वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप इसे देख करके कैसा महसूस करते हैं, क्या फीलिंग हुआ आपको, क्या सीखे हैं वो बताएं कमेंट करके। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।